लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में। राकेश, बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा के लिए हो रहे उपचुनाव आज संपन्न रहा। आपको बताते चले कि बिहार में जो 5 विधानसभा चुनाव होने वाले थे वो बेलहर, किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा और जो सीट यहां पर शामिल थे, मैं आपको बताता चलूं कि इसी के साथ साथ अगर लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए आज उपचुनाव जो है वो भी संपन्न रहा। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करना चाहेंगे तो किशनगंज में 5 बजे तक 59.18% वोटिंग हो पाई है। अगर दरौंदा की बात करें तो दरौंदा में 42.2% वोटिंग हो पाई है। बख्तियारपुर यानी कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 52.2% वोटिंग हो पाई है। और नाथनगर की बात करें तो नाथनगर में 43.2% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बेलहर की बात करें तो बेलहर विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव जो वहां पर हुआ है उस पर 5 बजे तक वोटों की जो फीसदी है वो 53.49% गई है। अगर हम समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर 5 बजे तक जो वोटों का जो आंकड़ा है वो पहुंचा है 45%। जी हाँ, 45% वोटिंग हो पाई है शाम 5 बजे तक। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में महागठबंधन इस उपचुनाव को लेकर फिसड्डी साबित हुई है। जी हाँ, बिल्कुल फ्लॉप साबित होती नजर आ रही, क्योंकि अगर आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं, नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन फेल होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से एनडीए का दबदबा नजर होता आ रहा है। एक बार फिर से आपको मैं वोटों का जो प्रतिशत है हमने आपको बता दिया, और अब जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन फ्लॉप साबित होता नजर आ रहा है। अगर हम 5 विधानसभा सीटों की बात करें, बेलहर, नाथनगर, दरौंदा, ये 3 ऐसे विधानसभा सीट है जो इसके पूर्व में यहाँ पर जेडू के कह सकते हैं कि जो दबदबा था जेडू पार्टी का, अभी भी उन्हीं का दबदबा होता नजर आ रहा है। क्योंकि इसके पहले में बेलहर से जेडू के जो प्रत्याशी थे गिरिधारी यादव, नाथनगर से अजय कुमार मंडल, दरौंदा से कविता सिंह, और अब चूंकि एनडीए और जेडू दोनों एक साथ चुनावी मैदान में है तो इनका दबदबा सबसे ऊपर होता नजर आ रहा है। ठीक अगर हम दरौंदा सीट की बात करें तो दरौंदा सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ किशनगंज की सीट की बात करें तो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का गढ़ वो माना जाता है। हर बार वहां पर कांग्रेस यानी कि जी हाँ कांग्रेस ही जीतती आ रही है, जिसके बाद इस बार कहना ये मुश्किल होगा कि शायद ही एनडीए वहां पर अपना दबदबा बना सके, एनडीए वहां पर जीत हासिल कर सके। लेकिन एक बात तो तय है कि 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे, समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर एलजेपी प्रत्याशी प्रिंस कुमार को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, और एक बार फिर से एलजेपी प्रत्याशी प्रिंस कुमार वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी एलजेपी प्रत्याशी एलजेपी के ही खाते में वो सीट थी, और एक बार फिर से बिहार में एनडीए का कह सकते हैं कि जो दबदबा है वो देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो एग्जिट पोल में महागठबंधन एक बार फिर से फिसड्डी साबित होती हुई नजर आ रही है। बिहार में 5 विधानसभा सीट में से सिर्फ 1 सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। किशनगंज को छोड़कर तमाम जो सीटें हैं, बेलहर हो, नाथनगर हो, दरौंदा हो, किशनगंज हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, ये तमाम 4 विधानसभा सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और 1 लोकसभा यानी कि समस्तीपुर लोकसभा सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर वाकई में जो नतीजे अगर आ रहे हैं यानी कि 24 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के हिसाब से यहां पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ये भी माना जा रहा है कि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसका सेमीफाइनल ये 2019 में माना जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर बड़ा सवाल और बड़ा कह सकते हैं कि नतीजा ये भी हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा और एक बार फिर से तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। फिलहाल नेशन भारत में इतना ही। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ताजा वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।